गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है सेकेंड हैंड बाइक से रिलेटेड होने वाला है, और इस ब्लॉग में आप लोगों को सुपर बाइकें देखने को मिलेगी, जैसे कि कावासाकी, होंडा, हार्ली डेविडसन और बुलेट्स का बहुत सारा भंडारा देखने को मिलेगा। इस शॉप का नाम है बुलेट राजा, और ये जो शॉप है मुलुंड में पड़ता है, मुंबई का जो मुलुंड है वहाँ पर पड़ता है, और बहुत ही कम प्राइस का आप लोग को बाइकें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, ऐसे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो नीचे जो रेड का बटन दिख रहा है उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे सामने देख सकते हैं, इस शोरूम के गोदाम में खड़ा हूँ मैं, और आप देख ही सकते हैं सुपर बाइक का पूरा ये लाइन लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा गोदाम है। बारी बारी से सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसका डिटेल, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं होंडा होनेस का है, और ये मॉडल है 2021 का, 14,000 किलोमीटर चली है, और 2026 तक इसका इंश्योरेंस मतलब ये है वैलिड है। और मार्केट जो प्राइस है 2.45 लैक्स है, और जो ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 2.30 लैक्स में, ठीक है। गाड़ी का आप इसका ये देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है एजेंसी कंडीशन में है, और इसका जो कलर की बात करें तो कलर भी देख सकते हैं काफ़ी यूनिक लग रहा है, ठीक है। ऐसी बेस्ट मतलब अच्छी जो प्राइस है ना ये गाड़ी के रिलेटेड बहुत ही अच्छी है। और आगे का आपका वो देख सकते हैं महाराष्ट्र नंबर है, ठीक है। और इधर दूसरा बात की जाए तो ये होंडा का होनेस ग्रीन है, दिसंबर 2020 का ये मॉडल है, 2025 तक ये वैलिड है, और मार्केट प्राइस है 2.45 लैक्स, और जो आपको प्राइस जो मिल जाएगा 2.35 लैक्स तक आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। और गाड़ी की बात करें तो देख सकते हैं आप गाड़ी का कलर्स वगैरह काफ़ी यूनिक कलर है होंडा का है, और ये जो कलर है काफ़ी यूनिक लग रहा है, ठीक है। और इसका जो कंडीशन की बात किया जाए तो कंडीशन भी आप देख सकते हैं पूरी एसी कंडीशन है, मतलब यहाँ पे जो भी गाड़ी आपको मिलेगी ना कोई भी डिफॉल्ट नहीं रहेगा। और इसमें स्क्रेचेस भी एक भी स्क्रेचेस नहीं है, जैसे देख सकते हैं आप स्क्रेच वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी गाड़ी की बात करें तो ये भी होंडा देख सकते हैं, होंडा होनेस ब्लू, ठीक है, 2021 मॉडल है, और 2026 तक है, और 2.45 लैक्स ये मार्केट प्राइस है, और जो आपको मिलेगी ये गाड़ी 2.25 लैक्स तक, ठीक है। ये आपको गाड़ी मिलेगी 2.25 लैक्स का, गाड़ी का देख सकते हैं ये कंडीशन, ये ब्लू का काफ़ी यूनिक कलर लग रही है। ये कावासाकी का ER6N देख सकते हैं, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, अप्रैल 2017 का ये ईयर 2017 मॉडल है, और 14,500 तक चली है, और मार्केट प्राइस है 6 लैक्स तक, और आपको मिल जाएगी ये बाइक 3.60 लैक तक, ठीक है। कंडीशन की बात किया जाए तो कंडीशन आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है, और फुल एजेंसी कंडीशन में। और ये जो बाइक है ये बाइक सोल्ड हो गई है, इस पर कार्ड नहीं लगा, ठीक है। और ये कावासाकी का निंजा 300 दिसंबर 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 14,500 किलोमीटर चली है, और मार्केट प्राइस है 4.20 लैक, और आपको मिल जाएगी 3 लैक तक, 3 लाख तक, ठीक है। ब्लैक कलर है और महाराष्ट्र नंबर है। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन आप देख सकते हैं, आप यहां से अगर दूसरे स्टेट में मंगाना चाहते गाड़ी तो आपको ट्रांसफ़र करके दिया जाएगा, ऐसा नहीं, उसका कुछ चार्ज थोड़ा सा चार्ज इंक्लूड रहता है, और बाकी सब कुछ भी चार्ज ज़्यादा लगता नहीं है। और जो भी चार्जें बताई जा रही है उसमें थोड़ा भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा ऑन रोड के लिए, ठीक है। आपको उतनी सस्ती बाइक, बहुत सस्ती बाइक मिल रही है। ये देख सकते हैं बनेली 300 वाइट, फेबरवरी 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 14,400 किलोमीटर चली है, और मार्केट प्राइस है 3.80 लैक, और आपको मिल जाएगी 2.50 लैक तक मिल जाएगी। वाइट कलर का गाड़ी है ये, और देख सकते हैं कंडीशन देख सकते हो, फर्स्ट आए का लुक, ये भी महाराष्ट्र नंबर है, ठीक है। ये भी देख सकते हो, ये भी बाइक सोल्ड हो गई है, ये गाड़ी बिक गई है, ये भी महाराष्ट्र नंबर है। और सबकी टायर की बात करें तो टायर बहुत नए हैं इसमें, मतलब ऐसा लग रहा है ना देखने पे सारे एजेंसी कंडीशन में आ रहे हैं, थोड़ा भी स्क्रेच नहीं है सारे बाइकों में। और ये देख सकते हैं बनेली का 600 i8 फर्स्ट ओनर, 2014 मॉडल है, और 14,000 किलोमीटर चली है, 4.60 लैक तक आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। रेड कलर गाड़ी है, और देख सकते हैं आप कंडीशन,
फ्रंट लुक, टायर वगैरह देख सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं बनेली का 600i वाइट 2018 मॉडल है, सेकेंड ओनर गाड़ी है और 8000 किलोमीटर चली है। 7.80 लाख तक ये मार्केट प्राइस है और 5.50 लाख तक आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, देख सकते हैं। कोई भी गाड़ी लीजिए आप, 20% देख कर इस गाड़ी, कोई भी गाड़ी को अपना बना सकते हैं। जितने भी प्राइस आपको देखने मिल रही है उस प्राइस में से डाउन पेमेंट पे आप, ये सब आपको डाउन पेमेंट पे गाड़ियाँ मिल जाएगी, ठीक है। ये आप बाइक देख सकते हैं, हार्ली डिवीज़न 2020 स्ट्रीट 750, 2020 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 95 किलोमीटर तक बस चला हुआ है और इंश्योरेंस वैलिड है 2025 तक, और मार्केट जो प्राइस आपको मिलेगी 5.75 लाख तक ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन आप देख सकते हैं, फुल न्यू कंडीशन में, एजेंसी कंडीशन में, और देख सकते हैं आप हार्ली डिवीज़न स्ट्रीट 750, जून 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2500 किलोमीटर चली है, फिर प्राइस 7 लाख तक है और आप, और यह आपको गाड़ी मिल जाएगी 3.70 लाख तक, ठीक है। महाराष्ट्र नंबर है। टायर की बात करें तो टायर देख सकते हैं, कंडीशन की बात करें तो कंडीशन भी देख सकते हैं, ब्लैक कलर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और आगे की मेरे आगे की बात करें तो आगे की लुक की बात करें तो आगे का लुक भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देख सकते हैं हार्ली डिवीज़न स्ट्रीट 750, मार्च 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 1000 किलोमीटर चली है, मार्केट प्राइस है 7 लाख और आपको मिल जाएगी 3.50 लाख तक, ठीक है। इसका भी टायर की बात करें तो टायर देख सकते हैं, कलर्स ब्लैक कलर है और देख सकते हैं काफ़ी मस्त लग रहा है। अब भी आप लोगों ने सेकेंड हैंड सुपर बाइक देखा, अब आप लोगों को दिखाता हूँ सेकेंड हैंड बुलेट्स। ये देख सकते हैं सामने रॉयल इनफील्ड का थंडर बर्ड रेड है, अप्रैल 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 12800 किलोमीटर चली है, 2022 तक इसका इंश्योरेंस वैलिड है और मार्केट प्राइस है 2.20 लाख और आपको मिलेगी ये गाड़ी 1.50 लाख तक। ये देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का थंडर बर्ड रेड है, नवंबर 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 8437 किलोमीटर चली है, 2024 तक इंश्योरेंस वैलिड है और मार्केट प्राइस है 2.30 लाख और आपको ये गाड़ी मिलेगी 1.75 लाख तक। ये देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का थंडर बर्ड वाइट है, सितंबर 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और ये चलिए 13571 किलोमीटर, इसका इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, मार्केट प्राइस है 2.20 लाख और आपको ये गाड़ी मिलेगी 1.50 लाख तक। ये देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का थंडरबर्ड X500 है, 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और चलिए 7900 किलोमीटर और इसका जो मार्केट प्राइस है 2.80 लाख है और आपको ये गाड़ी मिलेगी 1.80 लाख तक। ये देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का मीट्यू 350 रेड 2021 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 4300 किलोमीटर चली है, इसका इंश्योरेंस वैलिड है 2026 तक, मार्केट प्राइस इसका है 2.70 लाख, आपको ये गाड़ी मिलेगी 2.30 लाख तक। ये देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का इंटरसेप्टर 650 ऑरेंज 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, चलिए 7577 किलोमीटर, इसका इंश्योरेंस वैलिड है 2024 तक, मार्केट प्राइस 4 लाख है और आपको ये गाड़ी मिलेगी 3 लाख तक। इसका जो कलर जो है ना बहुत रावस है। ये देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का इंटरसेप्टर 650 ग्रे 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 20000 किलोमीटर चली है, इसका इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, मार्केट प्राइस आपको 4 लाख तक पड़ेगा और आपको यहाँ 2.90 लाख तक मिल जाएगा ये गाड़ी। ये देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का इंटरसेप्टर 650 वाइट 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 7141 किलोमीटर चली है, इसका इंश्योरेंस वैलिड है 2024 तक, इसका मार्केट प्राइस है 4 लाख और आपको ये गाड़ी मिलेगी 3 लाख तक। ये देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का इंटरसेप्टर 650 2020 मॉडल है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, इसका इंश्योरेंस वैलिड है 2025 तक, मार्केट प्राइस आपको 4 लाख तक पड़ेगा, यहाँ पर आपको 3 लाख में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का इंटरसेप्टर क्रोम 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 7147 किलोमीटर चली है, इसका इंश्योरेंस वैलिड है 2024 तक, मार्केट प्राइस आपको 4 लाख तक मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 लाख तक पड़ जाएगा। ये देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का कॉन्टिनेंटल GT 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, चलिए 6000 किलोमीटर, 2024 तक इसका इंश्योरेंस वैलिड है, मार्केट प्राइस आपको 3.90 लाख तक मिलेगा और यहाँ पर आपको 3 लाख तक पड़ जाएगा।
ये देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का कॉन्टिनेंटल GT 650 2019 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। चलिए 10,000 किलोमीटर, इसका इंश्योरेंस वैलिडिटी 2024 तक। मार्केट प्राइस आपको मिलेगा 3.90 लाख और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 लाख तक। वैसे यहाँ पे बाइक्स 200 से भी ज़्यादा है, एक एक करके अगर बताने लग जाऊँ ना तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सुपर बाइक, बुलेट्स, बुलेट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे इनका नाम ही शॉप का है बुलेट्स राजा, तो राजा हैं यहाँ के, मतलब मुंबई के राजा हैं ये बुलेट्स में, ठीक है। हर एक मॉडल का बुलेट रखें, हर एक मॉडल का सुपर बाइक रखें, नहीं नहीं रहेगा तो आप अगर आप ऑर्डर करेंगे तो भी मंगा कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे शोरूम में जो भी मैंने आप लोगों को गाड़ियाँ बताया, यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को गाड़ियाँ देखने मिलेगी। जितने भी मार्केट में आपने गाड़ियाँ देखा है और ये जो सुपर बाइक का कलेक्शन जो आप लोगों ने देखा होगा, बाइक किया होगा, तो उन मार्केटों में से सबसे सस्ता मार्केट है, मतलब ये शोरूम में ही मिलेगा आप लोगों को बाइक। और ऐसा नहीं, आप कहीं पर भी हो ना, इंडिया में कहीं पर भी हो, बस कांटेक्ट करें यहाँ पे शोरूम में कांटेक्ट करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का एड्रेस दे दूँगा, नंबर दे दूँगा, आपको समझ में नहीं आया हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करते हैं भाई मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, तो आदमी बता नहीं पाता क्योंकि मैं बस यहाँ पर ब्लॉग शूट करने के लिए आया हूँ। आप कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको पूरा फुल डिटेल मिलेगा, ठीक है। बस था कि यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे बाइकों का मैंने रेट वगैरह बताया और कंडीशन भी दिखा दिया। ऐसा नहीं है यहाँ पे डैमेज वगैरह मिलता है, कंडीशन बहुत ही हैवी कंडीशन है और काफ़ी कम प्राइस में, इतना सस्ता प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मुंबई में। आप इंडिया में कहीं पे भी हो, यहाँ पे आना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो ये शोरूम में, तो आकर देखें, नहीं तो आप कॉन्टेक्ट के थ्रू भी आप गाड़ी को मंगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे के पास भी पहुंचे।